उसको लगाई गई है, उसको इतना प्रताड़ित किया गया है मैम कि उसने वो कदम उठाया है और वो कर नहीं सकती मैम, हमें तो इतना बिलीव है। आप फोटो भी देखेंगे तो मैम पता पड़ता है कि उस लड़की को मार के हैंग किया गया है मैम। और बाद में किसी का फोन नहीं आया, हम लोगों ने खूब फोन किया, किसी ने फोन भी नहीं उठाया। बॉडी तो दूर मैम, सिर्फ हमें लड़की का चेहरा भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिला है। एक ननद थी और सास थी बस, और कोई भी नहीं था। अच्छा, ननद और ससुर कोई नहीं था, सब फरार थे उस टाइम पे। धीरे 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 जैसे मतलब की लाइफ चलती रही, उन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट करी कि हमें बुलेट चाहिए या 2 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। लड़के को अंगूठी नहीं दी और लड़के की जो माँ है वो सिर्फ ये कहती थी कि मेरा एक लड़का है, मेरे एक लड़के को आपने क्या दे दिया। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक परिवार जिन्होंने अपनी बेटी की शादी 10 महीने पहले की थी, और आपको एक चीज बताऊं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी अपराध है। इसके बावजूद भी महिलाओं पर लगातार दहेज को लेकर प्रताड़ित करने के मामले सामने आते रहे हैं। एक और मामला आज हमारे सामने आया है, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी 10 महीने पहले की थी, और उस 10 महीने के अंदर उस महिला को परिवार वालों की तरफ से, यानी कि ससुराल वालों की तरफ से इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि उसने सुसाइड कर ली। आखिर ये सुसाइड खुद उसने किया है या फिर सुसाइड करवाया गया है, इसी को जानने के लिए इस वक्त हम परिवार वालों के साथ मौजूद हैं। क्या जानकारी मिलती है आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आंटी आपका? सर्वेश। सर्वेश, हाँ जी। आप उनकी माता जी हैं? हाँ जी, माता जी हूँ उसकी। शादी जब करवाई थी, हाँ, बताया 10 महीने पहले आपने बताया शादी, हाँ, कराई थी, तो जो हम पे बनता हो सामान वो दिया था हमने, जैसे हम अपने हिसाब से देते तो उसे दिया हमने, लड़के को भी दिया, लड़की को अपनी को दिया। पर उन्होंने फिर उसके जैसे लगुन सिक्का चला गया, उसके बाद में उन्होंने बोला था कि हम आपसे ही में बैठ के बात कर लेंगे, आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। 5 लाख रुपए का इंतजाम? हाँ जी। तो हम बोले, मैंने कहा बहन जी ऐसा है, हम 5 लाख रुपए हम कहाँ से लेके आएंगे? आपको पता है कि मेरा आदमी कैंसर की बीमारी है, और मैं कहाँ से लाऊंगी? तो हमारे पास कुछ नहीं था, हमने 80,000 रुपया दिया था। फिर उसके बाद में एक महीने बाद फिर बेटी को टॉर्चर करने लग गए शादी के बाद। अच्छा। हाँ, तो कहा तेरे ससुर को अंगूठी चैन नहीं दी, और तेरे बुलेट नहीं दिया, 2 लाख रुपए लेके आ, बस इसी के टॉर्चर करने लग गया। फिर उसके फोन पे एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। ये किसके फोन पे आता है मैसेज? वो पिंकी के फोन पे ही आता है। पिंकी आपकी बेटी? हाँ जी, मेरी बेटी है। तो अजय यहीं पर बैठा हुआ था, तो वो देख के फोन को, तो उसका कुछ मूड बदल सा लग रहा था कि उसका मूड कुछ बदल गया है पैसों को सुन के, तो उसी चक्कर में उसको मार दिया गया है। अच्छा। हाँ जी। ये जो आप पैसों की बात बता रही हैं कि 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में है, तो वो यहाँ आई हुई थी क्या? हाँ, यहाँ आई हुई थी, अपनी बहन के ससुर की 13वीं में आई हुई थी। तो मैंने बोला था बेटा घर होकर घूम के चली जाइयो, हाँ। तो वो मेरे घर पे भी आई थी, तो 5-10 मिनट रुकी है, चाय पानी पी के जब गई है यहाँ से। अच्छा। हाँ, तो जब भी मैसेज उसके फोन पे आता है तो मेरे से बोलती है मम्मी मेरे फोन में मैसेज आया है। तो मैं कह रही बेटा कोई बात नहीं है, एक बार तू चेक कर ले, क्या पता तेरे पैसे हों। कर नहीं, मैंने पहले निकाल लिए थे सारे पैसे, तो पैसे कहाँ से आ गए, मैंने क्या पता, मैं तू चेक करने में क्या जाता है, इतना मैंने उससे बोला है। तो वो 2 लाख रुपए कहाँ से आए थे, कुछ पता नहीं? नहीं, कुछ नहीं पता। वो क्या पता फ्रॉड कोई मैसेज आ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है पैसे ही हो बैंक के अंदर, फ्रॉड भी आ सकता है, पर कुछ नहीं पता चला। अच्छा। उसके बाद में जाते ही दूसरे दिन, जाते ही तीसरे दिन तो उसको मार दिया गया है। अच्छा। ये बताओ कि 10 महीने के अंदर पहले भी लड़ाई झगड़ा मारपीट होती थी? थोड़ा बहुत होती थी, तो वो मुझे नहीं बताती थी, नहीं कहती मम्मी आप ऐसी टेंशन में रहते हो, मैं आपको क्या बताऊं। तो थोड़ा बहुत एक आध बात अपनी बहन को सहल कर लेती थी। तो अब गई है उसे उस दिन संक्रांत वाले दिन बता दे, बोला है उसको कि तेरे घर से त्योहार नहीं आया है, सबके घर से त्योहार आ रहे हैं, तो बता मैं कहाँ से देती, मेरा ही त्योहार खोटा है, तो मैं कहाँ से दूँ उसको। तो बोली मेरी बेटा मेरा त्योहार उठाने, तो अभी आई थी ना, तो मैंने कम से कम 5,000 रुपए का सामान दिया उसको। अच्छा, अभी अभी आई थी, तो कपड़े लत्ते थे दिया है, और उसकी बेड शीट दी है, और सामान ले गई थी। तो कपड़े लत्ते उसकी सास कभी नए बनाती नहीं, लेके खरीदेगा, अपनी बेटियों को उतरने देती थी पहनने के लिए। अच्छा। तो मैं मेरे से बोल रही थी, कह रही मम्मी मैं कब तक ऐसा उतरन पहनती रहूंगी। तो बोली मेरे को बेटा कोई बात ना, तू यहाँ आएगी ना तो तेरे को कपड़े दिला दूंगी। तो यहाँ से कपड़ा लेके गई है। अच्छा। और यहाँ से भी लेके जाए तो उनको कपड़े सिलवाने नहीं देती है, बिहारियों वाले कलर है, जो कह देती बिहारियों वाले कलर है, ऐसे कपड़े लेके आती है तू।
अच्छा सर, ये चीज बताइए कि लड़की की शादी आपके सामने ही हुई थी उस लड़के से? हाँ जी मैम, 15 मार्च 2021 में लड़की की शादी हुई थी मैम, यहाँ से काफी मतलब ठीक ठाक से, यहाँ से उनके लिए बैंकेट भी बुक किया गया था, क्योंकि उनका लड़के वालों का कहना था कि हम गली में शादी नहीं करेंगे। अच्छा। तो हमारे लिए बैंकेट हॉल बुक किया जाए, तो मैम यहाँ पे बुद्ध बाजार में एक बैंकेट हॉल है, वो हमने बुक किया था लड़की वालों ने मैम, तो वहाँ पे शादी भी अच्छी खासी हुई है। लेकिन मैम बस हमसे ये भी झूठ बोला गया कि लड़का फैशन डिजाइनिंग करता है, कुछ करता है, लेकिन धीरे धीरे पता पड़ता रहा कि लड़का कुछ नहीं करता है, सलून में काम करता है, ये करता है, वो करता है। शादी होने के बाद तो मैम फिर ये रहता है कि झूठ बोल वो बोला गया है हमसे, लेकिन हम लड़के को इतने हरास किया गया है ना मैम, सास ससुर ने भी और लड़के ने भी, कि लास्ट में मैम 28 तारीख को उसका सुसाइड हो गया। पता नहीं मैम सुसाइड हुआ है या खुद उनको उसकी लड़की को मार के लटकाया गया है मैम, मतलब कुछ वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी पुलिस के पास जाते लोग बोलते हैं कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ सकती है हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैम अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आता है कि चलो लड़की ने सुसाइड किया, लेकिन तब भी तो मैम मेंटली हरास का केस बनना चाहिए मैम, क्योंकि अगर कोई भी इंसान सुसाइड करता है मैम, उसको इतना मेंटली टॉर्चर है, वो इतना डिप्रेशन में है बंदा कि उसने वो कदम उठाया, तो जो पुलिस केस मतलब कि हमने जो केस कर रखा है मैम, लड़का अभी अरेस्ट है, उसको जेल में डाला गया, लेकिन जो सास ससुर है वो मतलब बाहर है मैम, पुलिस बोलती है कि वो मतलब लापता है, मिल नहीं, लेकिन पुलिस जब उन्हें ढूंढेगी मैम, पुलिस के बस की सब कुछ है, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अच्छा, लड़का भाग गया था या उसी टाइम फिर कैसे ढूंढा उसको? मैम जब हम पहुंचे थे वहां पे मैम, यहाँ से बोपुरा में ससुराल है, तो वहाँ पे यहाँ से पहुंचते हम दिल्ली में ट्रैफिक काफी रहता है, हमको 2.5 घंटे लग गए थे। जब हम पहुंचे तो हम लड़की की बॉडी सील कर रखी थी, मतलब कि अगर हम और 10-15 मिनट लेट हो जाते तो बॉडी वो लेके चले जाते, तो हम पहुंचे तो हम लड़की का बड़ा भाई है, उसने सील भी लटाई, तो उसने भी पुलिस वाले बोले कि ये आप हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये हम ही को डांटने लग गए, लेकिन मैं हमें तो देखनी थी अपनी बेटी देखनी थी, तो हमने जैसे जैसे अपनी बेटी देखी मैम, बहन देखी हमने, तो मतलब कि यहाँ से राल थी, मतलब सुसाइड किया, मतलब कि वो था लड़की डेड थी, बिल्कुल एकदम मरी हुई लड़की थी। उसके बाद में ना लड़का वहाँ पे था, मतलब जो लड़की का पति है वो नहीं था वहाँ पे, दोनों नन थी वो नहीं था, लड़की का ससुर है वो भी नहीं था। हमने उसकी सास से पूछा कि भाई अजय कहाँ है, मतलब उनका हस्बैंड कहाँ है, तो बोलती है हमने उसको बताया नहीं है, मतलब कि आपकी वाइफ ने ऐसा कर लिया। आप खुद सोचिए, एक की मतलब कि घर में ऐसा कांड हो चुका है, उसको बोल रही है कि हमने अपने बेटे को बताया नहीं था, पॉसिबल लगता है मैं आपको कि ऐसा कोई करेगा कि अपनी बेटे को बताएगा नहीं कि भाई आपकी बीवी ने ऐसा कर लिया है? दहेज के लिए वो करा जा रहा है, क्योंकि मैं वो भी जानती थी मेरे पापा का अभी डेथ हुई है, मम्मा परेशान है, मेरा भाई परेशान है, मेरे बाप के लिए इतना खर्चा हुआ है मैम, जो शादी में पैसा लिया गया था वो भी मैम कहीं ना कहीं अरेंज किया था, उसका अभी तक इंटरेस्ट भर रहे हैं मैम, और उसके बावजूद भी उनके पास डिमांड थी, प्रेशर था कि नहीं पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए, और ये भी बोलते थे कि आप जो भी पैसा देंगे किसी को पता नहीं होना चाहिए, थर्ड पर्सन को, आपको और हम तक सीमित रहनी चाहिए बात, मतलब किसी को दिखा के जो अमाउंट दिखा के नहीं देना, सिर्फ हम दोनों के बीच में बात रहनी चाहिए। फेसबुक से हमें पता पड़ा कि जो लड़की की मैरिड फोटो थी, जो भी मतलब कि उसके ससुराल के पक्ष की फोटो थी, वो सारी डिलीट है मैम। अच्छा। सिर्फ लड़की की अकेली फोटो है, उसने फेसबुक पे पहले फोटो डाल रखी थी अपने और हस्बैंड के साथ में, दोनों फोटो डाल रखी थी, तो उसने अपने हस्बैंड के साथ में फोटो लगा रखी थी फेसबुक पे, वो फोटो सी वो अभी अकेली की फोटो है बहन की। तो ये कितने टाइम पहले चेंज हुई थी ये फोटो मैम? अभी उसी दिन चेंज हुई है, जिस दिन 28 तारीख को उसने मतलब कि सुसाइड की न्यूज आई है ना, हाँ। उसके एक दो दिन ही बाद मैम फोटो ये सब हुई है, वो भी हमने मैम देखिए हो जाता है तो मैम आप भी जानते हैं परिवार इतना वो रहता है, वो सब इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है। वो भी उसकी फ्रेंड ने बताया कि अपनी इसकी बड़ी बहन को कि दीदी आप पिंकी की फेसबुक खोल के देखिए, वो सारी जो फोटो उसने डाल रखी थी वो सारी डिलीट है। अच्छा, ये बाद में डिलीट हुई है सुसाइड की या पहले ही हो गई थी? सुसाइड के बाद डिलीट हुई है मैम। सुसाइड के बाद डिलीट हुई है, तो इसका मतलब तो फोन कोई और घर का ही सदस्य चला रहा है। हाँ मैम, कुछ ना कुछ तो है मैम की, हाँ जी कुछ ना कुछ तो है मैम की, जो फेसबुक से फोटो डिलीट हुई है किसने के पास पासवर्ड है या कुछ भी है। अच्छा, ये बताइए अभी जिस तरीके से जो उनके पति हैं अजय, FIR भी दर्ज हो गई जिसकी कॉपी ये रही, इसमें सिर्फ 3 लोगों का नाम लिखा है जिसमें अजय और जो उनके सास ससुर थे उन दोनों का नाम ऐड है इसमें, लेकिन सिर्फ अजय को पकड़ा जा चुका है, FIR में नाम दर्ज है, लेकिन 2 लोग अभी भी फरार हैं जो महिला के सास ससुर है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? मैम हम तो ये चाहते हैं मैम, यूपी पुलिस से योगी जी से अपील करते हैं मैम, जो भी कार्रवाई है मैम, इन तीनों का लड़का तो अरेस्ट है मैम, लेकिन जो सास ससुर है मैम वो भी तो मेंटली टॉर्चर मैम, एक तरह का केस ही है मैम, किसी को उत्पीड़न का, इनको भी अरेस्ट करके मैम जेल में डाला जाए और हमारी बहन को हम चाहते हैं इंसाफ मिले मैम। तो अभी आपने पूरे परिवार की बात सुनी, कहीं ना कहीं जो परिवार की बात सुनने के बाद यही लगा है कि लड़की को इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया, इतनी ज्यादा वो डिप्रेशन में चली गई, हो सकता है कि शायद उसने खुद फांसी लगाई हो, लेकिन अगर लड़की ने खुद फांसी लगाई है तो इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उस लड़की को दहेज के लिए, पैसों के लिए इतना ज्यादा मेंटली हैरेस किया गया,
परिवार जो उसका मायका है वहां पर बार बार उन लोगों को उनसे पैसे की डिमांड की गई, उनको बार बार बोला गया, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि ट्विटर पर यूपी पुलिस को जरूर टैग करें इस वीडियो को शेयर करते समय, ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। तो जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।